सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रिलायंस जियो के बारे में। तो मुंबई इंडियंस की जीत के खुशी में यहाँ पर जियो ने हमें काफ़ी अच्छा खासा मौका दिया और हमारा जो जियो है वो पूरे एक साल के लिए यहाँ पर फ्री हो चुका है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में पूछा, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सअप में पूछा कि क्या रिलायंस जियो एक साल के लिए फिर से फ्री हो चुका है। तो जी हाँ, रिलायंस जियो फिर से पूरे एक साल के लिए यहाँ पर फ्री हो चुका है। तो प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं तो कल के फाइनल में आप लोगों ने देखा कि मुंबई इंडियंस ने सीएसके को एक रन से हरा दिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था, मज़ा आ गया। और आप लोगों को पता है कि जो मुंबई इंडियंस का ओनर है, जो मालिक है, वो है अंबानी। तो उसी के खुशी में आप लोगों को पूरे एक साल के लिए यहाँ पर फ्री दिया जा रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग जानते थे कि जो जियो का प्राइम मेंबरशिप था वो, आप लोग जानते हैं कि जो जियो का जो प्राइम मेंबरशिप था वो 31 मार्च को ख़त्म हो गया था। उसके बाद जियो की तरफ से हमें कोई भी डिटेल्स नहीं आई कि आगे क्या होगा, क्या हमें फिर से 99 का रिचार्ज करवाना होगा कि नहीं होगा। तो कुछ भी हमें डिटेल्स पता नहीं था और जियो ने भी कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं दिया था। लेकिन आज यहाँ पर जियो ने स्टेटमेंट दिया और जो जियो का प्राइम मेंबरशिप है वो पूरे एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, जो जियो का प्राइम मेंबरशिप है वो पूरी तरह से मतलब एक साल के लिए यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो लोग जियो का प्राइम मेंबरशिप इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और मतलब काफ़ी लोग बोल रहे थे क्या हमें बिना रिचार्ज करवाए हमें डेटा मिलेगा। तो जी नहीं, आपको जिस तरह से आप 399 या फिर जितने का भी आप रिचार्ज करवाते हैं आपको उतना रिचार्ज करवाना मतलब करवाते रहना है और आपका जो वैलिडिटी होगा उसके हिसाब से आपको वैलिडिटी मिलता ही रहेगा। हाँ, जियो की तरफ से आपको सेलिब्रेशन पैक मिलते रहेगा, जिस तरह से कभी मिलता है आपको 2 GB का, कभी 10 GB का। तो इस तरह से आपको आने वाले दिनों में कुछ सेलिब्रेशन पैक यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये कुछ जियो की तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आती है। तो अब ये मुंबई इंडियंस की जीत के खुशी के लिए जियो ने दिया या फिर जियो करना चाहता था पहले से, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि मुंबई इंडियंस की जीत के खुशी में ही यहाँ पर ये जियो ने किया है। अब जो लोग मुंबई इंडियंस के फ़ैन हैं और जो लोग जियो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो काफ़ी एक गुड न्यूज़ है। डेटा आपको फ्री में नहीं दिया जाएगा, जिस तरह से आप रेगुलर रिचार्ज करवाते हैं 399, 499 या जितने का भी 149, वो आप करवाते रहेंगे आपको उतना वैलिडिटी मिलता रहेगा। बस आपका जियो प्राइम मेंबरशिप एक साल के लिए एक्सटेंड यहाँ पर कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और आप लोग मुझे बताइए क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जियो से, और ये तो होना ही था, नहीं तो फिर से जियो 99 का रिचार्ज करवाना पड़ता। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, जियो ने सिंपली इसे एक्सटेंड कर दिया, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।